आपके पास चाहे चैप्टर वन हो, या फिर चैप्टर वन कह रहा हूँ, चैप्टर फाइव और चैप्टर सेवन, ये दोनों ही चैप्टर सिर्फ और सिर्फ थ्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर्स, थ्री फॉर्मूला एंड थ्री एक्सरसाइज में, इवन एपी में तो सिर्फ हमारे पास दो ही। बहुत शॉर्ट में देखिए आप सब बच्चे, प्लीज ध्यान से देखिए, थोड़ी सी क्लास लंबी करेंगे जिससे कि एक टॉपिक हमारा कवर हो जाए। हमारे पास क्या, हम बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं कि हमारे पास ये एक बेटा पॉइंट है पी और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वन, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी सी नॉलेज आपको नाइन्थ के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। एंड क्यू हमारा है बेटे एक्स टू वन, तो हमें इनका डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बिटवीन पी क्यू, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। फॉर्मूला कहाँ से आया, हम इसको नेक्स्ट क्लास में, इससे आपको आइडिया रहे ये हो गया रहे, आप सिर्फ इसका यूज कर देते एप्लीकेशन में। मतलब अगर आपके पास कोई एक पॉइंट दिया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टू थ्री एंड देयर इज अनदर पॉइंट फाइव सेवन, तो आपके पास डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटे, इट इज माई एक्स वन, इट इज माई वाई वन, इट इज माई एक्स टू, इट इज माई वाई टू। फॉर्मूला इज एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज फाइव माइनस टू होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन सेवन माइनस थ्री होल स्क्वायर, फाइव माइनस टू इज थ्री, थ्री स्क्वायर इज नाइन, सेवन माइनस थ्री इज फोर, फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट इज फाइव। तो सिंपल इतना सा है बस, आप सब बच्चों को ये तो पता होगा x कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट होता है, ये तो मालूम है ना सब बच्चों को, तो उसी का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देखो कितना इजी है, हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है डन। सबसे पहला आपके पास बेटे यही है, ये देखिए हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज 7:13 एंड बी इज 10:09, तो हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकालो। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू क्या है हमारा 10, एक्स वन क्या है हमारा 7, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर, वाई टू क्या है हमारा 9 एंड y1 13, तो 10 माइनस 7 इज व्हाट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 13 इज व्हाट 4, माइनस 4, माइनस 4, बट माइनस 4 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 इज 25। जरा पेन चलाओ,
करो जर, और मुझे फोर्थ वाले का बेटे आंसर दो, फोर्थ पार्ट का कोशिश करो जर। सर ये रूट 25 होगा ना, 25 का रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटे? अच्छा रूट 25 का 5 आएगा ना। ठीक है चलो करो जर ऐसे, फोर्थ वाला पार्ट सब बच्चे करो। आंसर दीजिए शीट चाहिए, वाइट शीट। जी बेटे आ गया। सर रूट 2A आ रहा है। ये देखिए आपका जन, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 के बेटे फर्स्ट 3 क्वेश्चन, इसमें भी ये ए बी माइनस ए माइनस बी दिया हुआ। ठीक है पहले ये करते हैं, प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये भी करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड और क्या दिया हुआ है, a
a माइनस बी एंड माइनस ए माइनस बी दिया ना हमने, ठीक है? आपके पास जो डिस्टेंस आएगा बेटे ए बी दैट विल बी अंडर रूट, थोड़ा ध्यान से करना है बस और कुछ नहीं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बताओ सब बच्चे यही है ना? Yes. अबे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है? तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा चलिए हमारे पास आएगा अंडर रूट में a माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आया प्लस माइनस a माइनस b स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, बताओ सब बच्चे ये आएगा ना आंसर तो? यस सर, यहाँ तक सही है ना ये बात? हैं भाई? यस सर सही, यहाँ तक ये सही है, तो हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे पास जो है जो 2ab वाली टर्म है वो कैंसिल हो सकती है या नहीं, ये बता दो उसमें 2ab वाली टर्म। रामिया? यस सर। देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इस वाली टर्म से, अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे बेटे तो ए और बी दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई, माइनस ए माइनस बी से बेटे अब आपके पास क्या है, माइनस ए माइनस बी, अगर आप बेटे माइनस कॉमन लेंगे तो इनसाइड ए प्लस बी आ जाएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ? अगर ये माइनस बेटे कॉमन आ जाएगा तो फिर ये वाला जो माइनस है ये वाला प्लस हो जाए, तो आपके पास आ जाएगा 2a plus b a minus b, तो ये वाली टर्म है 2a plus b a minus b और ये वाली टर्म है माइनस में सेम, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए, अगर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा a minus b square plus a plus b square, ध्यान से देखो ये भी आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी, ये हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आता है। अब अगर आप इनको ओपन करेंगे दोबारा से आपके पास क्या आएगा बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगेन 2ab 2ab कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा बेटे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ये आंसर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी हो गया a प्लस b a माइनस b, लेकिन हमारे पास जो एनसीईआरटी में है सेम ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, देखो जरा क्या है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज्यादा इजी लगेगा आपको।
ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं हमसे, हमसे कह रहे हैं देयर इज ए पॉइंट ए ए बी एंड देयर इज ए पॉइंट बी माइनस ए माइनस बी। हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकाल। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square। तो आप सिंपली कह सकते हैं minus 2a square and ये आप कह सकते हैं minus 2b square। ये 4a क्या, वो 4b square। 4 आप common ले लो, है ना? 4 common लोगे तो क्या रह जाएगा, वही answer तो almost same। x square plus b square। तो 4 का अंडर रूट ले सकते हैं बस, इनसाइड कुछ भी नहीं होगा, इनसाइड ऐसे ही रहता है। ध्यान रखना स्क्वायर नहीं कैंसिल कर सकते, स्क्वायर रूट से ये इंडिविजुअल के स्क्वायर हैं, होल स्क्वायर नहीं। तो ये हमारा आंसर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। तो बेसिकली ये आपका टाइप 1 हो गया कि अगर आपको पॉइंट दिए हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है अगर दो से ज्यादा पॉइंट दे दें, ये टाइप टू क्वेश्चन समझ लो। ये आपसे करना, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर हम इस मेथड से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन, फिर हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, सपोज ए इज 1 5, there is a point B, suppose 2, 3. There is point C, suppose minus 2, minus 11. आपसे कह रहा है प्रूव करो these points are collinear. तो होगा क्या सर, ये A है, ये B है और ये सर C है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम AB का distance निकाल सकते हैं और फिर सर हम BC का distance निकाल सकते हैं। सपोज करो ए बी का डिस्टेंस आया 5 और बी सी का डिस्टेंस आया 10, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ए सी। सपोज ये डिस्टेंस आ गया 15। तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि भाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड वन, तब आप कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये ओनली कंडीशन है भाई, एक लाइन पे लाई करेंगे तो इसका मतलब टू पॉइंट के डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। ये हमें कोशिश करनी, अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, दो का सम तीसरे के इक्वल, तो फिर वो कोलिनियर नहीं है, फिर वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी पे बेस्ड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है सर। शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, फिगर डी पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। आसिमा भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट, तो आपके पास जो पॉइंट गिवन है दैट इज ए 3 1, बी 6 4, सी 8 6, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, ये आपसे कह। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, 6 - 3 = 3, 3 का स्क्वायर = 9, 4 - 1 = 3, 3 स्क्वायर = 9, 9 9 18 अंडर रूट। आप चाहें तो 2 9 = 18 या 3√2 भी कह सकते हैं ना भाई 18 को, 18 इज व्हाट, 9 2 = 18, तो दैट इज 3√2।
बीसी आप निकालिए, 8 माइनस 6 स्क्वायर, 6 माइनस 4 स्क्वायर, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 क्या होता है, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 2 रूट 2. हमारे पास होता है एसी. एसी क्या होता है, 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर. 8 माइनस 3 से 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 रूट 2 50. 50 को आप 25 इंटू 2 लिख लीजिए, आपके पास आ जाएगा 5 रूट 2. अब यहाँ आपको चेक करिए, ये 3 रूट 2 आया है, ये 2 रूट 2 आया है, और ये कितना आया है, 5 रूट 2. तो सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 3rd वन. तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको लिखना है ये ए बी प्लस बी सी, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2, दैट इज इक्वल टू ए सी. So, A, B and C are common. जी बताओ. जी बेटे, समझ में आया ये? हाँ सर. ये हमारे पास होता है कि अगर आपको तीन पॉइंट्स का डिस्टेंस, तीन पॉइंट्स को लीनियर शो कर, और इस पे बेस भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमें ट्रायंगल्स पे बेस्ड हो, कि ट्रायंगल्स पहले से कर लीजिए, मुझे पता है कॉल करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है लामिया, लामिया Yes, sir. मुझे बेटे 8:15 पे आप एक मैसेज कर देना, जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर देंगे. सही बात, फिर से बोलिएगा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. 8:15 पे आप मुझसे डाउट्स डिस्कस कर लेना अगर आपको करना हो. ओके सर. ठीक है सर, मैंने आपको चैट्स पे कुछ डाउट्स भेजे थे, बट प्लीज रिसेंड कर दीजिए. रिसेंड जी सर. थैंक यू.